इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप की सेटिंग्स को किस तरह से रिसेट कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर आपके लैपटॉप की कोई भी सेटिंग खराब हो चुकी है आपसे तो आप उसको कैसे सही करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा। तो नो ड्रामा नो टाइम वेस्ट, चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन को ऑन कर लेना है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 सभी विंडो में जो प्रोसेस है कंप्यूटर की सेटिंग रिसेट करने का वो सेम होता है। आपकी कंप्यूटर में देखो कोई भी सेटिंग खराब है तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपने कंप्यूटर की सेटिंग्स को रिसेट कर लेना है, आपकी सेटिंग सही हो जाएगी, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप सही हो जाएगा। तो चलिए आप बताना जानते हैं किस तरह से इसको सही करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर विंडो वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, देखो स्टार्ट बटन इसको बोलते हैं, आपको सिंपली स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है। विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 8, विंडोज 11 सभी में ये सेम होता है, मतलब साइड में ही होता है, विंडोज 11 में बीच में देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेटिंग वाला एक ऑप्शन आता है तो आपको सिंपली यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक कर देना है। अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 है तो आपको सेटिंग का ऑप्शन ढूंढ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा अपडेट एंड सिक्योरिटी, सॉरी रिकवरी बोल दे मैंने, अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपली अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर नीचे आना साइड में और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है रिकवरी का, आपको सिंपली रिकवरी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना इस वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करना, यहाँ पर एक भी स्टेप आपके कंप्यूटर आपके लैपटॉप को खराब कर सकता है। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा और सावधानी के साथ काम करना होता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है कीप माय फाइल्स, नीचे लिखा हुआ है रिमूव्स एप्स एंड सेटिंग्स बट कीप्स योर पर्सनल फाइल्स, यानी अगर यहाँ पर हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैंने सिलेक्ट कर लिया, चलो उसको मैंने कट करके दोबारा से ओपन कर लिया इसको, ठीक है, नीचे वाला ऑप्शन नहीं समझा पाता नहीं तो मैं आपको, तो अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके हार्ड डिस्क में आपके फोटो वीडियोज वगैरह सेव है, जो भी आपकी फाइल्स सेव है वो यहाँ पर डिलीट नहीं होंगी, आपके जो कंप्यूटर की सेटिंग है ओनली वही रिसेट होगी, वही डिलीट होगी। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर आपने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कुछ भी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है, एप्स वगैरह इंस्टॉल किए हुए हैं, वो सभी के सभी डिलीट हो जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है रिमूव एवरीथिंग, यानी अगर यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो नीचे लिखा हुआ है रिमूव्स ऑल ऑफ पर्सनल फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स, यानी यहाँ पर जितने भी हमारी सेटिंग्स है कंप्यूटर की वो भी रिसेट हो जाएगी, सारे एप्लीकेशन डिलीट हो जाएंगे और जो भी आपके हार्ड डिस्क में डाटा सेव है, वीडियोस फोटोज जो भी आपकी फाइल सेव है वो सब डिलीट हो जाएंगी। मतलब एक तरह से आपका जो कंप्यूटर है वो बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा, जैसे एक नई विंडो हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। जैसे ही आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसिंग होने लग जाती है, थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है रेडी टू रिसेट दिस पीसी। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना भूल गया यार, आपको यहाँ पर कंप्यूटर को लाइट से कनेक्ट करके रखना है। जो कंप्यूटर हम रिसेट करते हैं या लैपटॉप को रिसेट करते हैं ना, तो इसमें 2 से 3 घंटे से लेकर 4 घंटे तक भी टाइम लग जाता है। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में प्रोसेसर अच्छा है तो भी 1.5 घंटा तो यहाँ पर मान के चलिए लगेगा ही लगेगा। तो अगर आप लैपटॉप में अपनी सेटिंग्स रिसेट कर रहे हैं तो आप लैपटॉप को चार्जर के साथ कनेक्ट करके रखिए, और आप यहाँ पर यह पक्का कर लीजिए कि जो आपको चार्जर आपने लैपटॉप में लगाया हुआ है वो इन्वर्टर वाले स्विच से ही कनेक्ट है। अगर आप कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो आप यूपीएस के सहारे कभी भी इसको रिसेट मत करना, आप इन्वर्टर वाले स्विच पर ही अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करके रखना, जिससे कि लाइट वगैरह ना जाए। अगर आपका कंप्यूटर यहाँ पर रिसेट होते हुए बंद हो जाता है ना, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, आपकी विंडोज क्रप हो सकती है, सब कुछ डिलीट हो सकता है, तो आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। और हाँ एक बात और इम्पोर्टेंट है जो आपको बतानी जरूरी है, जब हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रिसेट करते हैं तो यहाँ पर कई बार हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप रीस्टार्ट होता है, तो आपको घबराना नहीं है, बस आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।